My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma और आज हम 9th class के students के लिए उनकी supplementary reader book Moments Missing एक chapter पढ़ेंगे जिसका title है The Last Leaf. It's a very beautiful and touching short story written by famous American writer O. Henry. तो ये story दो friends के बारे में है जिनका नाम है Sue and Johnsy. ये दोनों बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट का मतलब पेंटर्स, मींस दे अर्न देयर लिविंग बाय पेंटिंग. पेंटिंग्स बनाती हैं, उन्हें बेचती हैं एंड इन दिस वे इट इज देयर प्रोफेशन. तो होता क्या है कि एक बार नवंबर का मंथ होता है और जॉन्सी काफी बीमार पड़ जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है. अब निमोनिया जो है बेसिकली ये लंग्स की एक डिजीज होती है जिसमें लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है. तो जॉन्सी काफी बीमार हो जाती है और वो सारा टाइम अपने बेड पर बस लेटी रहती है और उसके बेड की साइड में एक विंडो होती है, उससे बाहर वो देखती रहती है. सू को उसकी काफी चिंता होती है, इसलिए सू डॉक्टर को बुला लेती है. डॉक्टर कई बार आते हैं लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता. तो डॉक्टर सू से पूछते हैं कि इज समथिंग वरिंग जॉन्सी, कि क्या जॉन्सी को कोई चिंता है. तो सू ने कहा नो, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. तो डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी विल नॉट लिव. कि डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि जॉन्सी ने ये सोच लिया है कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी, यानी कि उसने अपनी जिंदा रहने की जो डिजायर है उसे खत्म कर दिया है. और फिर डॉक्टर ने कहा कि इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव तो उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा. अब ये सुनकर सू वरिड हो जाती है और वो ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी पर से हटाना है. एंड इसके लिए वो जॉन्सी को थोड़ा लाइट माइंडेड बनाने के लिए उसे अलग अलग तरह की बातें करती है. वो उसके लिए सूप बनाकर लाती है, उसके साथ इस तरह की बातें करती है जैसे क्लोथ्स के बारे में, नए नए फैशन के बारे में. लेकिन जॉन्सी उन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती, वो तो बस अपने बेड पर लेटी हुई है और बेड के साइड में जो खिड़की है उससे बाहर लगातार देखती रहती है. सू अपना ड्राइंग बोर्ड उठाकर ले आती है, उस पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है. साथ के साथ वो विस्लिंग कर रही है, मीन सीटी बजा रही है ताकि थोड़ी सी लाइट माइंडेडनेस शो कर सके. लेकिन जॉन्सी का इन सब चीजों का जॉन्सी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता. तो जॉन्सी एकदम से कुछ बोलती है और सू उस समय अपने ड्राइंग बोर्ड पर विसल करते हुए पेंटिंग कर रही होती है. जैसे सू सुनती है कि जॉन्सी ने कुछ बोला है तो सू दौड़कर जॉन्सी के बेड के पास जाती है और वो देखती है कि जॉन्सी क्या कर रही है. जॉन्सी दरअसल बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही होती है. अभी बैकवर्ड्स काउंटिंग क्या है? बैकवर्ड्स काउंटिंग मींस रिवर्स काउंटिंग, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से. तो जॉन्सी ने बोला 12, देन शी सेड 11, देन 10. तो सू ने उससे पूछा कि जॉन्सी डियर तुम ये क्या कर रही हो. तो जॉन्सी ने कहा कि देखो तुम खिड़की से बाहर सामने एक आईवी क्रीपर है. अब ये जो आईवी क्रीपर है ये एक तरह की बेल होती है जिस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं. तो जॉन्सी ने उसको बताया कि ये जो आईवी क्रीपर है इस पर कुछ दिन पहले बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन इस समय इसके ऊपर काउंट करते करते वो आ जाती है 5 तक, कि देखो सिर्फ 5 ही पत्ते इसके ऊपर आज बाकी हैं. तो इसका मतलब जॉन्सी क्या कर रही होती है? जॉन्सी उस आईवी क्रीपर पर जो पत्ते बचे हुए हैं उनको काउंट कर रही है कि कितने पत्ते बच गए, और जो बाकी पत्ते हैं वो सब गिर चुके होते हैं. तो जॉन्सी बताती है कि 3 दिन पहले तक तो ये जो क्रीपर है ये पत्तों से भरी हुई थी और अब इसके ऊपर सिर्फ 5 पत्ते बाकी हैं, एंड जब इसका लास्ट पत्ता भी गिर जाएगा उसी के साथ मैं भी मर जाऊंगी. अब जैसे सू ने ये सुना वो काफी शॉक्ड हो गई. उसे समझाया जॉन्सी को कि देखो ऑटम का जैसे मौसम है पतझड़ का मौसम है और इस पतझड़ के मौसम में तो पत्ते गिरते ही हैं, तो ऐसे में इस आईवी क्रीपर के पत्तों के गिरने का और लास्ट लीफ के गिरने का और तुम्हारी हेल्थ का कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो जॉन्सी ने कहा नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ही इस आईवी क्रीपर का लास्ट पत्ता गिरेगा उसी के साथ मैं भी मर जाऊंगी. तो सू ने कहा जॉन्सी इस तरह की बातें मत करो, मैं इस समय खिड़की बंद नहीं कर सकती ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो, तो वो खिड़की बंद कर देती. वो कहती है कि मुझे भी खिड़की बंद है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी ड्राइंग करनी है
और ड्राइंग करके ही हम कुछ पैसे कमा पाएंगे, ओके? तो इस समय तुम इस तरह की बातें मत करो। वो उसके लिए सूप बनाकर लाती है, लेकिन जॉन से कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं पीना, मुझे कोई भूख नहीं है। और फिर वो कहती है कि तुम जल्दी से अपनी ड्राइंग फिनिश कर लो, क्योंकि मैं जल्दी से चाहती हूं कि ये पत्ता गिर जाए। अब सू को भी यही चाहती है कि वो जैसे इसको ध्यान ना दे और विंडो भी ओपन रहे, क्योंकि उसको लाइट की जरूरत है और वो अपनी ड्राइंग जल्दी से फिनिश करना चाहती है। तो सू जॉन से कहती है, यू ट्राई टू स्लीप, क्योंकि मुझे आज ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और उसके लिए मुझे एक मॉडल की जरूरत है, और जो बेलमैन है मैं उनको बुलाने जा रही हूं और वो मेरे मॉडल बनेंगे इस ओल्ड माइनर की पेंटिंग के लिए। अब सू वहां से नीचे बेलमैन के पास चली जाती है। आप ये समझिए पहले कि ये बेलमैन कौन है। बेलमैन भी बेसिकली जैसे सू और जॉन सी दोनों आर्टिस्ट हैं, तो वो भी एक आर्टिस्ट है, वो भी एक पेंटर है। ही इज ऑलमोस्ट 60 इयर्स ओल्ड एंड उनका एक ड्रीम है कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। मास्टरपीस हम कह सकते हैं कि एक शानदार पेंटिंग बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट करना चाहते हैं कि उनकी डेथ के बाद भी उनको सब याद करें। तो इस तरह की है बेलमैन। अब वो जो है बेलमैन, वो भी उसी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उसी सेम बिल्डिंग में जहां पर सू और जॉन्सी भी रहती हैं। तो सू जॉन्सी से ये बोलकर कि तुम सो जाओ, मैं बेलमैन के पास जा रही हूँ, उनको बुला के लाती हूँ मॉडल बनने के लिए। तो सू जल्दी से नीचे बेलमैन के पास चली जाती है एंड जाकर वो बेलमैन को जो भी उसकी ट्रबल है, उसकी जो चिंता है जॉन्सी के बारे में, वो बताती है कि किस तरह से जॉन्सी जो है वो अपने हेल्थ को और इस बात को एसोसिएट करके देख रही है उस लास्ट लीफ के साथ आईवी क्रीपर की। तो बेलमैन जब उसकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, इस जॉन्सी फुलिश, क्या वो फुलिश है? वो किस तरह की बातें कर रही है? भला एक आईवी क्रीपर के पत्तों के गिरने का और उसकी डेथ का या उसकी हेल्थ का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो सू कहती है कि देखिए, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शी इज रनिंग वेरी हाई टेम्परेचर एंड शी हैज नॉट ड्रिंक और ईटन एनीथिंग, ओके? इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है जॉन्सी की। तो बेलमैन कहते हैं कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से मिलकर आता हूँ। अब वो दोनों सू और बेलमैन दबे पांव बिल्कुल चुपचाप जॉन्सी के कमरे में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि जॉन्सी सो चुकी है। सू जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है ताकि जॉन्सी आराम से सोई रहे, और वो दोनों यानी कि बेलमैन और सू नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। जैसे वो नेक्स्ट रूम में जाते हैं, खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं, तो सू देखती है कि अब वो जो आईवी क्रीपर है उसके ऊपर बस एक ही पत्ता बाकी है। बेलमैन भी देख रहे होते हैं, और वो जो शाम है उस शाम को बहुत तेज तूफान आ रहा होता है, बहुत ज्यादा आइसी विंड चल रही होती है, एंड कंफर्म भी होता है ऑलमोस्ट कि आज रात को ये पत्ता भी गिर जाएगा। बेलमैन भी उस पत्ते को देखते हैं एंड फिर वो नीचे वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जॉन्सी जब जगती है तो वो बहुत ही फीबल सी आवाज में, बहुत ही वीक सी आवाज में सू से कहती है कि सू प्लीज ड्रॉ द कर्टन ऑफ द विंडो, कि विंडो पर से पर्दा हटा दो, मुझे बाहर देखना है। नेचुरल सी बात है, क्या देखना चाहेगी जॉन्सी? जी हाँ, जॉन्सी यही देखना चाहेगी कि आईवी क्रीपर के ऊपर कोई पत्ता बचा है कि नहीं। तो सू बहुत ही हेजिटेटिंगली इस चीज को करती है कि वो जैसे खिड़की को खोलती है, पर्दे को हटाती है, एंड जैसे सू बाहर देखती है, वो देखती है कि एक पत्ता अभी भी बाकी है। और वो जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी डियर देखो, एक पत्ता अभी भी यहाँ पर इस आईवी क्रीपर के ऊपर क्लिंग कर रहा है। तो जॉन्सी भी पत्ते को देखती है एंड जॉन्सी कहती है कि हाँ, मुझे तो ये लग रहा था कि रात को इतनी तेज तूफान आया था, इतनी तेज हवाएं चल रही थी, तो ये जो पत्ता है ये भी गिर जाना चाहिए था एंड आज ही मुझे भी इसी पत्ते के साथ ही मर जाना चाहिए था, लेकिन ये पत्ता आज भी है। तो मैं जल्दी से मरना चाहती हूँ, यदि ये पत्ता हो सकता है कि आज भी कोई तूफान आएगा तो ये गिर जाएगा एंड मैं उसी के साथ मैं भी मर जाना चाहती हूँ। तो सू ने उसको कहा कि नहीं, तुम नहीं मर सकती, देखो ये पत्ता बिल्कुल ग्रीन है, हेल्थी है, एंड तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना होगा। फिर उस शाम को फिर से बहुत तेज तूफान आता है एंड इन बिटवीन जॉन्सी बार बार हर एक घंटे के बाद बाहर विंडो से झांक कर देख रही होती है और वो पत्ता अब भी वहीं पर होता है। शाम को तूफान के आने के बावजूद भी वो पत्ता वहां से नहीं हिलता, नहीं गिरता। एंड उसके बाद जॉन्सी सू से कहती है कि सू,
आई बीन अ वेरी बैड गर्ल, कि सो मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरा कितना ध्यान रखा, मेरी कितनी सारी चीजें तुमने करी, कि मेरे ट्रीटमेंट भी कराया, मुझे डॉक्टर को भी दिखाया, मेडिसिन भी दी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया, बल्कि मैं तो मरने की सोच रही थी, लेकिन इस लास्ट लीफ ने मुझे ये होप दी है कि ये जो काम मैं कर रही थी ये बिल्कुल गलत है, और अगर मान लीजिए मैं अपने आप को मारने की सोच रही हूँ तो इसका मतलब ये एक सिन है, ये एक पाप है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब उसने सो उसके पास दौड़ी चली गई जॉनसन के पास और उसने उसे गले से लगा लिया। सो उसके लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई बहुत सारा और जॉनसन ने सूप पिया एंड साथ के साथ सू ने उसे मिरर दिया, जॉनसन ने अपने बाल भी कॉम किए एंड इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो लास्ट लीफ है उसने फिर से जॉनसन के मन में जिंदा रहने की जो इच्छा है उसे जगा दिया। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने जॉनसन का चेकअप किया और कहा कि अब जॉनसन जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर जीने की जो विल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो वापस आ गई है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे नीचे जाना होगा, बेलमैन को चेक करना है, बेलमैन का चेकअप करना है क्योंकि उन्हें भी निमोनिया हुआ है, लेकिन बुरी बात यह है कि बेलमैन के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा नहीं है, और ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। नेक्स्ट डे सू जॉनसन के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, जॉनसन डियर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये जो नीचे पेंटर था बेलमैन उनके, ओके, वो कहती है कि वो आज सुबह मर गया एंड वो केवल 2 दिनों से ही बीमार था, उसे निमोनिया हुआ था। उसको 2 दिन पहले वो एक रात को बाहर गया था, ओके, वो स्टॉर्मी नाइट थी एंड जेनिटर ने जब उसे देखा, जेनिटर का मतलब केयर टेकर, यानी कि वो जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस बिल्डिंग का रखरखाव करने के लिए जो कर्मचारी था उसे जेनिटर बोला। तो जेनिटर ने जब बेलमैन को देखा तो वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, उनके सारे कपड़े गीले थे, उनके शूज गीले थे। फिर उन्होंने देखा तो उनके पास एक लैडर रखी हुई थी, एक लैंटर्न रखी हुई थी एंड लैंटर्न अभी भी जल रही थी। फिर उनको उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ पेंट ब्रशेस पड़े हुए थे और कुछ ग्रीन एंड येलो कलर का पेंट भी वहां पर बिखरा हुआ था। इसका मतलब जो बेलमैन है वो 2 दिन पहले जो स्टॉर्मी नाइट थी, काफी रेन उस दिन आई थी, उस रात को वो बाहर थे एंड वो कुछ पेंट करके आए थे। अब सूर्य जॉनसन से कहा, जॉनसन एक बार विंडो से बाहर देखो, वो जो पत्ती तुम्हें दिखाई दे रही है, जो हम सोच रहे थे कि एकदम ग्रीन दिखाई दे रही है, एकदम यंग सी दिखाई दे रही है, हेल्थी दिखाई दे रही है, ये तो फ्लटर भी नहीं कर रही, अगर हवा भी चलती है तो भी ये हिलती नहीं है। इसका मतलब ये जो पत्ती है ये ड्रॉ की है बेलमैन ने एंड ये जो लास्ट लीफ है ये दरअसल बेलमैन का मास्टरपीस है। जी हाँ, यही वो शानदार पेंटिंग थी, यही वो मास्टरपीस था जो बेलमैन ने ड्रॉ किया था एंड इसी की वजह से ही गेव होप टू दैट यंग आर्टिस्ट जॉनसन हु वांटेड टू किल हरसेल्फ, हु वांटेड टू डाई, बट इवेंचुअली ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ इन दिस प्रोसेस, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन दिस प्रोसेस। So it was this beautiful, short and heart-touching story, The Last Leaf by O. Henry. लेकिन अभी इस लेसन के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी NCERT के सभी सॉल्यूशंस। इसके अलावा इस स्टोरी का थीम मैंने डाला है, उसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर उन सभी क्वेश्चन आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स भी लेकर रख सकते हैं और फ्यूचर में बाद में लिख सकते हैं। थीम के अलावा मैंने आपके लिए मैसेज जो कन्वे करना चाहता है ये चैप्टर उसे मेंशन किया है एंड मोर ओवर मैंने आपको प्रोवाइड की है एक शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, थीम, मैसेज एंड समरी, लेट्स कम टू द स्लाइड्स।